हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मेरे प्रियजनों, एक समय की बात है जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तब चेले लोग यीशु मसीह के पास एकांत में आकर कहने लगे, हे गुरु, हे रब्बी, तेरे आने का और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तब यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पावरफुल संदेश बोला था, पावरफुल बात बोली थी कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि मेरे नाम से बहुत से लोग आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत मिराकल करेंगे। तुम उनके पीछे चले ना जाना, क्योंकि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली शिक्षाओं को फैलाएंगे, भरमाने वाली शिक्षाओं को फैलाएंगे। हे मेरे प्रिय, मैं आपसे बता रहा हूँ, बाइबल बताती है अंत के दिनों में कहीं तुम्हारे मन कुमार ना हो जाए, कठोर ना हो जाए, मतवालेपन ना हो जाए, कहीं जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए कि वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इसलिए जग और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो वो समय कब आएगा, इसलिए मैं जागते रहना है प्रार्थना करते रहना है। कहीं यीशु मसीह अचानक ना जाए। यीशु ने कहा था, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो मेरा कब आना होगा, मैं कब आऊँगा। यदि जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, इस पर आएगा, उस पर आएगा, तो जागता रहता। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जागते रहो प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, धन्य वह दास जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। यीशु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में साफ कहा है, देख मैं चोर के समान आने वाला हूँ। धन्यवाद जो जागता रहता है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को जागते रहना है। हमें उन पांच समझदार कुमारों की तरह तैयार रहना है, हमें पांच मूर्ख कुमारों की तरह नहीं बनना है। याद रखना, रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो संसार से निष्कलंक होंगे, जो पवित्र होंगे, जो पवित्रता के साथ, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपना जीवन बिताते होंगे, उनको यीशु मसीह बदल कर उठा ले जाएगा। जो लोग पवित्र नहीं होंगे, संसारिक जीवन बिताते हैं, जो मसीह में रहकर यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी जो संसार के साथ चलते हैं, संसार से हाथ मिलाते हैं, याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग कभी नहीं देगा। परमेश्वर यीशु मसीह उसी को स्वर्ग देगा जो पवित्र होगा, जो तैयार होगा, जो निष्कलंक होगा, उसी को यीशु मसीह स्वर्ग देगा, उसी को यीशु मसीह स्वर्ग उठाकर लेकर जाएगा। बाकी को यहीं छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियजन, जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं वह जगह पवित्र है। अपने आप को पवित्र करो भाई, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। बाइबल बताती है उस समय ऐसा भारी क्लेश काल होगा, मत्ती की पुस्तक बताती है। ध्यान से वीडियो को देखें मेरे प्रियजनों, और वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे हमारे अनेक वीडियो को देखने के लिए। अंत के दिनों में हमें अपनी तैयारी बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो बाइबल से, वचनों से लोगों को गुमराह करते हैं, वचनों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमें सच्चाई को जानना है, सत्य को जानना है। बाइबल बताती है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और सच्चाई जानो, सच्चाई यीशु मसीह है। पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन बिताइए। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे लोग पाप करते, व्यभिचार करते, गंदे वीडियो देखते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते घूम रहे, याद रखना, ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं देगा परमेश्वर। आप सोचते हो मैं पाप भी करूंगा और पाप करके मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो नो, आप गलत हो। ऐसी सोच रखने वाले मसीह को मैं एक चेतावनी देता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। जो तुम पाप भी करोगे, विचार भी करोगे, सांसारिक जीवन बिताओगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग दे देगा, नो, आप गलत हो। अपने आप को बचा लो, अभी वक्त है, समय है, टाइम है। अपने जिंदा रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लो, तौबा कर लो, अभी वक्त है, अभी टाइम है। अभी आपके नथनों में, नथुना में श्वास है, जीवन है,
श्वास है जीवन अभी जिंदा हो, अपने जीते जी यीशु को याद कर लो, मरने से पहले यीशु को याद कर लो और विश्वास कर लो, परमेश्वर आपको उद्धार कर देगा और आपके पापों को मिटा देगा और नया जीवन दे देगा। ऐसा जीवन देता है मेरे प्रियजनों जो एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, तीन दिन का नहीं, चार दिन का नहीं, पाँच दिन का नहीं, हजार साल का भी नहीं, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। याद रखना, जब धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जो पापी धर्मी हैं वह अनंत काल के लिए नर्क की झील में तड़पते होंगे। इसलिए समय है, लौटाओ। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर करना। क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकती हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा, इनाम देगा, स्वर्गीय मुकुट देगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।